ए बड़े कीमती सां ने, ए बड़े कीमती लम्हे ने, काश के मैयत बोल सकदी होंदी, बोल बोल के कहंदी अपना वक्त जाया ना करया जे। ए सब तो कीमती वक्त है, ए सब तो कीमती लम्हे ने हजराते दी वकार। इस हवाले नाल मैं एक हदीस सुनावा ते अपनी बात खत्म करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने जिन्हों का नाम सैयदना हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु है, वह ते शुहदा दे अंदर शामिल ने। हजरत अब्दुल्ला की शहादत अल्लाह पाक नू इतनी पसंद आई, हजरत अब्दुल्ला की शहादत अल्लाह नू इतनी प्यारी लगी, हजरत अब्दुल्ला की शहादत अल्लाह पाक नू इतनी अच्छी लगी, अल्लाह पाक ने हजरत अब्दुल्ला नू अपने सामने बिठा के आख्या अब्दुल्ला मंग क्या मंगना चाहे। अम्मा बादु फाऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं कु पाक मुहम्मद अरबी दे फरमान सुने दे मौत आवे, मैं पाक मुहम्मद अरबी दे फरमान सुने दे मौत आवे। जैदी जात कदीर है हर शैते उंदी शान सुने दे मौत आवे, ते मेरी यार दुआ कबूल थीवे अजान सुने दे मौत आवे। साह निकले कासर सजदे विच कुरान सुने दे मौत आवे। मोहतरम जनाब जीनतुल्कुरा कारी नोमान अजीज साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ फरमा, और इसी तरह ही फाजिल आलम दीन मोहतरम जनाब हजरत मौलाना बरादर मुकर्रम कारी जाब वहदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वदीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा ने। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक इन्हों अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे। और मैं दुआ करता आज दे इस प्रोग्राम का इहतमाम करने वाले लोग इंतजामिया मुआविनीन, अल्लाह पाक ये प्रोग्राम उन्हें सब वास्ते जरिया निजात बनाए, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाए। अल्लाह पाक तो दुआ करता अल्लाह साढ़े सारे ना राजी हो जाए, फिर अल्लाह असा सारे ना राजी हो जाए, अल्लाह अपनी खैर और बरकत अता फरमा। मुख्तसर जे वक्त है और मुख्तसर जे वक्त के अंदर मैं तुसा बाप कोई भाई बच्चे शोर नहीं, मैं तुसा बाप के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करनी है। अल्लाह तो दुआ है जो कुछ मैं कुरान और सुन्नत विचों बयान करा अल्लाह मेरे समय तुसा सब अहबाब नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, अलबत्ता तहकीक
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अकवालो अफआलो आमाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी मुबारक दे मामूलातो मामलात, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी मुबारक और सीरत नूं तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना और आइडियल बना दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर बात दे अंदर, हर हदीस दे अंदर, हर कौल दे अंदर, हर फेल दे अंदर, हर अमल दे अंदर उम्मत दे वास्ते दुनिया आखरत दी कामयाबी की जमानत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर बात दे अंदर उम्मत दे वास्ते खैर मौजूद है। अल्लाह ताला गंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने जिन्हों का नाम सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा नबी पाक के चचाजाद भाई भी ने और मुफस्सिर कुरान ने। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की तफसीर का इल्म अता फरमाया सी सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा ने। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम और उस्तादुल असातिज़ा ज़ीनतुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी अताउल्लाह अज़ीज़ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा और उन्होंने हुक्म ते मैं तुसां आबाब दे सामने चंद जुमले बयान कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला कारी साहब नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक इन्हां दे तमाम तलामेज़ा इन्हां दे शागिर्द इन्हां दे जितने भी पढ़ने वाले तलबा ने अल्लाह पाक कारी साहब वास्ते उन्हां नूं सदका जारिया बनाए। मोहतरम सामईने कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अनु हदीस पाक दे रावी ने फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे नूं चंद नसीहतां फरमा रहे सन। मैं करीब हो के वह नसीहतां सुनियां। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनहुमा ने वह नसीहतां महफूज कीतियां, वह उम्मत तक पहुँचाइया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन कराम दी मेहनत दे नाल ओ नसीहतां तुहाडे और मेरे तक पहुँच गईयां। गोया के मैं जो ओ नसीहतां बयान कर रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम, चूंकि क्यामत तक आन वाले आखिरी इंसान हर इंसान वास्ते उस वे हसना और बेहतरीन नमूना है। गोया के ये नसीहतां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां छोटे बच्चे तो ला के बुजुर्ग तक, मर्द ओ औरत, गरीब ओ अमीर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां ये नसीहतां सब वास्ते ने और हर बंदे नूं ये समझना चाहिए है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत मैनू फरमाई है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये बात मेरे वास्ते है और ये मेरी कामयाबी की जमानत है। वो कड़िया नसीहत ने तुसी तवज्जो रखनी है। इंशाअल्लाह मुख्तसर जे वक्त के अंदर मैं तुसा अहबाब के सामने पेश करांगा। मैं कोशिश करांगा तुहाडा वक्त जाया ना हो। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा नाम पाक आवे, आप दा नाम पाक बड़ा प्यारा नाम है। नबी पाक दा नाम पाक बड़ा मिठा नाम है। नबी पाक दा नाम पाक बड़ा सोहना नाम है। नबी पाक दा नाम पाक आवे मुसलमान की जुबान ते दुरूद पाक जारी ना होवे या मुसलमान नु अखावना पवे दुरूद पाक दा, कहना पवे दुरूद पाक दा, याद करवावना पवे दुरूद पाक, ए बात चंगी नहीं लगदी। बल्कि नबी पाक दा नाम पाक इतना प्यारा है, जदों मोमिन दे कन्ना च नबी पाक दा नाम पाक आंदा है, मोमिन दे कन्ना च आप दे नाम पाक दी आवाज पहुंचदी है, जुबान ते दुरूद पाक जारी हो जांदा है। कितना प्यारा है लोगो नाम आपका, कितना प्यारा है लोगों नाम आपका, सारे नबियों से आला मकाम आपका। कितना प्यारा है लोगों नाम आपका। रिपीट थोड़ी जी घटा दो, यानी एक एक जुमला समझ आवे, एक एक लफ्ज समझ आवे। कितना प्यारा है लोगों नाम आपका, सारे नबियों से आला मकाम आपका। आप आ
जहां में उजाला हुआ अदल इंसाफ का बोल बाला हुआ। आप आए जहां में उजाला हुआ अदल इंसाफ का बोल बाला हुआ। अदल इंसाफ वाला निजाम आपका सारे नबियों से आला मकाम आपका। सोचता हूँ ये कैसी थी उनकी अदा दुश्मनों को भी देते न थे बद्दुआ। दुश्मनों को भी देते न थे बद्दुआ। सबर से माफ करना सबर से माफ करना थका माफ का सारे नबियों से आला मकाम आपका। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमाम उल अंबिया इमाम उल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया इग्तनिम खमसन क़बल खमसन। पांच चीज़ां नूं पांच चीज़ां तो पहले कीमती समझो। पांच चीज़ां दी पांच चीज़ां तो पहले कदर करो। पांच चीज़ां नूं पांच चीज़ां तो पहले गनीमत समझो। उन्हां दी कदर करनी है वो केड़ियां पांच चीज़ां ने। पहली चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया शबाब का कबला हरामक अपनी जवानी नू अपने बुढ़ेपे तो पहले कीमती समझो। अपनी जवानी नू अपने बजुर्गी तो पहले कीमती समझो। अपनी जवानी नू अपने बुढ़ापे तो पहले कीमती जानो। एदी कदर करनी है। मोहतरम सामईन कराम अल्लाह पाक ने बंदे दी जिंदगी दे तीन दौर बनाए ने। पहला दौर बचपन का दौर दूसरा दौर जवानी का दौर तीसरा दौर और बुढ़ापे का दौर ते बजुर्गी का दौर। इन्हां तीन द्वार दे विचों सब तो कीमती दौर जवानी का दौर है। दुनियावी एतबार दे नाल भी दीनी एतबार दे नाल भी सब तो कीमती दौर जवानी का दौर है। तुसी दुनियावी एतबार दे नाल हिसाब लगा लो बच्चा जितना भी सियाणा क्यों ना होवे बच्चा जितना भी समझदार क्यों ना होवे बच्चा जितना भी काबिल क्यों ना होवे किसी सरकारी महकमे दे अंदर उतनी देर तक उन्हें नौकरी नहीं देंदे उतनी देर तक उन्हें जॉब नहीं मिलती उतनी देर तक वो बंदा नौकरी ते नहीं लग सकता जितनी देर तक वो जवानी की उम्र ना पहुँचे। जवानी की उम्र पहुँचेगा उन्हें नौकरी मिल जाएगी। हुण 20 तो 25 साल नौकरी करन दे नाल तजर्बा हो ज्यादा हो चुका होंगे। नौकरी करन दे नाल जॉब करन दे नाल बंदे नू मुशाहदा ज्यादा हो चुका होंगे। अपने महकमे नू समझ चुका होंगे। ज्यादा तजर्बे वाले बंदे दी हालांकि ज्यादा जरूरत होंगी है लेकिन हुकूमत कहती है एक कट्ठे पैसे भी ले जाओ अद्धी पेंशन भी मिलती रहेगी। तुसी घर के अंदर जाओ ते आराम करो। वजह की है तुहाडी जवानी खत्म हो गई है। इहदा मतलब है दुनिया भी एतबार दे नाल भी बंदे दी जिंदगी विचों सब तो कीमती दौर जवानी का दौर है ते दीनी एतबार दे नाल भी बंदे दी जिंदगी विचों सब तो कीमती दौर जवानी का दौर। हदीस पाक दे अंदर आंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कल महशर दे मैदान दे अंदर अल्लाह दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह पाक अपने बंदियां कोलों चंद सवाल करनगे जितनी देर तक बंदे अपने मालिक को परवरदिगार नूं उन्हां सवालां दा जवाब नहीं देणगे उतनी देर तक एक जगह तो दूसरी जगह ते हरकत भी नहीं कर सकणगे हिल भी नहीं सकणगे। वो किहड़े सवाल होणगे सब तो पहला सवाल होएगा वान उमरी ही फीमा अफना। ए मेरे बंदे इत्थे खलो के मैनू अपनी जिंदगी दे बारे जवाब दे मैनू जिंदगी दे एक एक लम्हे दा हिसाब दे मैनू जिंदगी दे एक एक साह दा जवाब दे। वान उमरी ही फीमा
अफना। अपनी जिंदगी किथे गुजार के आए, अपनी जिंदगी किवें गुजार के आए, तेरिया रातां किवें गुजरदियां रहियां, तेरे दिन किवें गुजरदे रहे। नबी पाक ने फरमाया जदों ये बंदा अपने अल्लाह पाक नूं इस सवाल का जवाब दे चुका होएगा, फिर अल्लाह पाक दूसरा सवाल फरमाणगे। दूसरा सवाल भी जिंदगी दे बारे है। हुण जरा तुसां गौर करना है जिंदगी दे बारे। हालांकि पहले एक सवाल हो चुका है, दोबारा जड़ा सवाल हो रहा है वह भी जिंदगी दे बारे है। इहदा मतलब है जड़ा दोबारा सवाल जिंदगी दे बारे खास हो रहा है, इहदा मतलब है वह खास हिस्सा है जिंदगी का, वह बेहतरीन ते कीमती हिस्सा है जिंदगी का। जड़ा दोबारा सवाल जिंदगी दे बारे होना है वह बचपन दे बारे नहीं लोगो, बुढ़ापे ते बुजुर्गी दे बारे नहीं लोगो। दूसरा सवाल होना है वान शबाब ही फीमा अबला, ए मेरे बंदे मैनू अपनी जवानी दे बारे खास कर जवाब है। तेनू जो मैं कुव्वत अता की सी, तेनू जो मैं ताकत अता की सी, जहानत अता की सी, मैं जो तेनू ताकत ते कुव्वत दी सी किथे सरफ करके आए हैं, किथे गुजार के आए हैं। जवानों इत्थे रुक के मैं गुजारिश करांगा, ये जवानी ना दौर बड़ा कीमती दौर है, इस जवानी दे वक्त नू गेमां च जाया ना कर, इस जवानी दे वक्त नू दुनिया दे मेले ते तमाशे च जाया ना कर, इस जवानी दे वक्त नू अल्लाह दी दित्ती होई नेमत नू दुनियावी मामलात च जाया ना कर, बल्कि अपने अल्लाह नू राजी करन दी कोशिश कर, अपने अल्लाह नू मनाण दी कोशिश कर। मस्जिद नाल अपना ताल्लुक बना, मदरसे नाल अपना ताल्लुक बना, कुरान नाल अपना ताल्लुक बना, हदीस नाल अपना ताल्लुक बना। नबी पाक दी सीरत दियां किताबां पढ़िया कर, नबी पाक दे फरमान पढ़िया कर, सहाबे कराम दी सीरत ते किताबां पढ़िया कर, इस्लाम दी हिस्ट्री ते तारीख पढ़िया कर। ये जवानी बड़ा कीमती दौर है। नबी पाक ने फरमाया शबाब का कबला हराम है का, अपनी जवानी दी कदर करनी है बुढ़ेपे तो पहले पहले वक्त नहीं, वरना इससे भी बड़ी तफसील नाल गुफ्तगू हो सकती है। दूसरा पॉइंट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम ने फरमाया, वाह अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया, वसीहता का कबला सकामिक, अल्लाह पाक सेहत दे देवे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता फरमा देवे, बीमारी दे आण तो पहले पहले, बीमारी दे आण तो पहले पहले उस तंदुरुस्ती दी कदर कर ले, उस सेहत दी कदर कर ले। अल्लाह पाक ने तेनू अखां दी बिनाई दे के नबीने वखाए ने, अल्लाह ने कन्ना दी समात दे के बोले वखाए ने, अल्लाह पाक ने जुबान नू बोलन दी कुव्वत ताकत दे के गूंगे वखाए ने, अल्लाह ने हत्थां नू हरकत दी ताकत दे के ऐसे लोग वखाए ने जिन्हां दे हथ ते हैं लेकिन कम नहीं करदे, ऐसे लोग वखाए ने जिन्हां दे पैर ते हैं लेकिन चल नहीं सकदे, ऐसे लोग भी वखाए ने जिन्हां दीआं अखां ते हैं लेकिन वेख नहीं सकदे, ऐसे लोग भी वखाए ने जिन्हां दे कन्न ते हैं लेकिन सुन नहीं सकदे, ऐसे लोग भी वखाए ने जिन्हां दी जुबान ते है लेकिन बोल नहीं सकदे। सिहाता का कबला साका मैक, अल्लाह जुबान दीती है, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दीती है, अल्लाह ने से तो तंदुरुस्ती अता फरमाई, अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। बीमारां नूं वेख के बड़े बड़े दौलतमंद लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े दौलतां वाले लोग हस्पतालां च जिंदगियां गुजर गईयां, बाहर दी हवा भी नहीं वेखी। मैं अपने इलाके दे सियासी MLA जो के फौत हो चुके ने, जिन्हां दा नाम मियां मोहसिन कुरैशी सी, मैं उन्हां नूं जानना वा, कई लोग उन्हां दे नाम तो वाकिफ होणगे। पीपल पार्टी दे दौर दे अंदर MLA मुंतखब होए, MLA मुंतखब होण तो बाद जूं ही इंतखाब होया, ये MLA मुंतखब हो गए हलफ भी ना उठा सके ते बीमार हो गए, हलफ भी नहीं ले सके ते बीमार हो गए। MLA बनन तो बाद निश्तर हस्पताल दे अंदर वेंटीलेटर ते पै रहे, कई कई हस्पताल फिरे। अल्लाह ने दौलत भी दड़ी बड़ी दीती है, अल्लाह ने माल भी बड़ा दिता है, अल्लाह ने MLA दी सीट भी दे दीती है, लेकिन 5 साल वो बंदा जिंदा रहा है, हलफ नहीं उठा सकया, 5 साल वो बंदा जिंदा रहा है, असम्बली नहीं जा सकया, 5 साल वो बंदा जिंदा रहा है, वो बंदा MLA शिप इंजॉय नहीं कर सकया। सियासत मिल गई है, MLA शिप मिल गई है, लेकिन बोलन की कुव्वत ते ताकत अल्लाह ने नहीं दीती, चलन ते फिरन की कुव्वत ते ताकत अल्लाह ने नहीं दीती। क्या फायदा ऐसी दौलत का, अल्लाह दौलत देवे ते सेहत ना देवे, क्या पैसा ऐसा, क्या फायदा ऐसे पैसे का, अल्लाह दौलत पैसा देवे ते सेहत
ना देवे हजराते दी वकार बात समझ आई। दौलत बड़ी नेमत नहीं, पैसा बड़ी नेमत नहीं, माल बड़ी नेमत नहीं, शोहरत बड़ी नेमत नहीं, सियासत बड़ी नेमत नहीं, ओहदा बड़ी नेमत नहीं, असल तंदरुस्ती बड़ी नेमत है। दौलत होवे बंदा अपनी मर्जी का खाना ही ना खा सके क्या फायदा, दौलत होवे बंदा अपनी मर्जी का लिबास ही ना पा सके क्या फायदा, दौलत होवे ते बंदा बोल भी ना सके क्या फायदा, दौलत होवे बंदा वेख भी ना सके क्या फायदा, दौलत होवे बंदा चल भी ना सके क्या फायदा, ओहदा होवे बंदा काम ही ना कर सके क्या फायदा। एदा मतलब है सेहत अल्लाह दी बड़ी वड्डी नेमत है, इस सेहत दी कदर करनी है, तंग बीमारी दे आण तो पहले पहले तंदुरुस्ती दी कदर करनी है। तीसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया वक्त फिराग का कबला शोलिक, अल्लाह पाक अगर फरागत का कुछ वक्त दे देवे, फरागत दे कुछ लम्हे मिल जान, अल्लाह पाक कुछ वक्त दे देवे, वेला टाइम मिल जाए, गिबतें च नहीं गुजार देना, चुगलियां च नहीं गुजार देना, लोगों के खिलाफ बहतान ते इल्जाम च नहीं गुजार देना, किसी की जिंदगी ते तबसरें च नहीं गुजार देना, किसी के उत्ते गाली कढ़ने च नहीं गुजार देना, खेल ते तमाशे ते लूडो ते ताश ते गेम च नहीं गुजार देना, बल्कि अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपने अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह पाक अगर थोड़ा जहा टाइम दे देवे वेला जहा तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपने अल्लाह का जिक्र करना, इस चीज की कदर करनी है। चौथी बात नबी पाक ने फरमाया वाखिना का कबला फकरक, अल्लाह पाक पैसा दे देवे, अल्लाह दौलत दे देवे, अल्लाह माल दे देवे, फकीरी दे आण तो पहले पहले उस दौलत की कदर करनी है, फकीरी दे आण तो पहले पहले उस माल की कदर करनी है, फकीरी दे आण तो पहले पहले अल्लाह पाक ने जड़ी दौलत तंग दस्ती दे आण तो पहले पहले उदी कदर करनी है। दौलत दे नशे च धुत हो के अपने रब नू नहीं भुला देना, दौलत दे नशे च धुत हो के गरूर और तकबर नहीं करना, दौलत दे नशे च धुत हो के अपने वड्डियां नू भुल नहीं जाना, दौलत दे नशे च धुत हो के अपने हमसाए ते रिश्तेदारां नू नहीं भुल जाना, बल्कि तंग दस्ती भी आ सकती है। अल्लाह ने बड़े बड़े ऐसे लोग वखाए ने जेडे दौलतां वाले सन, जिन्हां दे एक पाकिस्तान का कानून उलट पुलट हो जाता सी, अल्लाह ने जेलां च भेज के वखाए ने, ये दौलत हमेशा नहीं रहती, ये ओहदे हमेशा नहीं रहते, ये पैसा हमेशा नहीं रहता, ये शान ते शौकत हमेशा नहीं रहती। अल्लाह पाक जे दौलत दे देवे, फकीरी दे आण तो पहले पहले दौलत की कदर करनी है। आखिरी वसीयत, आखिरी नसीहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम दी, आपने फरमाया हयात का कबला मौत, हयात का कबला मौत, अल्लाह जिंदगी दे सा दे देवे, मौत दे आण तो पहले पहले ना जिंदगी दे सावां दी कदर कर लेनी है। ये बड़े कीमती दौर ने, ये बड़े कीमती सा ने, ये बड़े कीमती लम्हे ने, काश के मैयत बोल सकती होंदी, बोल बोल के कहंदी अपना वक्त जाया ना करया जे, ये सब तो कीमती वक्त है, ये सब तो कीमती लम्हे ने। हजराते दी वकार, इस हवाले नाल मैं एक हदीस सुनावां ते अपनी बात खत्म करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने, जिन्हां दा नाम सैयदना हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु है, ओहदे शहादा दे अंदर शामिल ने। हजरत अब्दुल्ला की शहादत अल्लाह पाक नू इतनी पसंद आई, हजरत अब्दुल्ला की शहादत अल्लाह नू इतनी प्यारी लगी, हजरत अब्दुल्ला की शहादत अल्लाह पाक नू इतनी अच्छी लगी, अल्लाह पाक ने हजरत अब्दुल्ला नू अपने सामने बिठा क्या क्या, अब्दुल्ला मंग क्या मंगना चाहे, हजरत अब्दुल्ला अपने अल्लाह को की मंग रहे ने। जवानों जरा उस चीज ते गौर करया जे, मेरे इल्म दे मुताबिक जन्नत मिल गई है, अल्लाह राजी हो गया है, अल्लाह दी नेमतां मिल गई ने, जन्नत मिलन तो बाद भी अल्लाह की रजा तो बाद भी हजरत अब्दुल्ला अपने अल्लाह को क्या मंग रहे ने, केड़ी चीज का सवाल कर रहे, अल्लाह जिंदगी दे सा दोबारा दे दे, अल्लाह जड़ी जिंदगी दुनिया वाली दी सी वो जिंदगी दोबारा दे दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अब्दुल्ला सब कुछ मिल सकता है लेकिन दुनिया वाली जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती, सब कुछ मिल सकता है जिंदगी दे साथ दोबारा नहीं मिल सकते, एक कीमती सान है इन्हां दी कदर कर ले, एक बारी मौत आ गई तो दोबारा नहीं मिलने, ये नखरे ना कर मेरे ते हले केड़ा मौत आन लगी है। अल्लाह पाक ने ऐसे लोग भी वखाए ने सफर करद करद जिन्हों मौत आ गई है, मंजिल ते नहीं पहुंचे, अल्लाह ने ऐसे
लोग भी वखाए ने खाना सामने पिया हो खाना खा नहीं सके मौत आ गई अल्लाह नु प्यारे हो गए ने अल्लाह ने ऐसे लोग भी वखाए ने जेडे पहलवानी ते कुव्वत ते ताकत दा मुजाहरा करदे होए खाड़े दे मैदान दे अंदर डिगे ने ते पहलवाना ते मौत आ गई है अल्लाह पाक जेडी जिंदगी दे साथ तुहानू मैनू अता कीते ने ए दोबारा नहीं मिलने हयात का कबला मौत का इना जिंदगी दे सावां दी कदर कर ले मौत दे आण तो पहले पहले मौत दे आण तो पहले पहले मैं आखिरी पैगाम दियां ते अपनी बात खत्म करा तू अपना आप संभाली जुल तू अपना आप संभाली जुल दुनिया विच यार वफा कोई नहीं एक वार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं तू अपना आप संभाली जुल दुनिया विच यार वफा कोई नहीं दुनिया विच यार वफा कोई नहीं एक वार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं ए दुनिया मतलब दारां दी है जिंदगी चार दीवारां दी ए दुनिया मतलब दारां दी है जिंदगी चार दीवारां दी है जिंदगी बाबियां नूं पुछिया कर आंदे ने दो दिन दी गल है केड़ा ए वेले गल गुजरे ही नहीं ए कल दियां गल्लां ते कल दियां बातां ए दुनिया मतलब दारां दी है जिंदगी चार दीवारां दी है जिंदगी चार दीवारां दी दे छोड़ खुशामद यारां दी दे छोड़ खुशामद यारां दी ओए जिन्ना लावण हक दा रा कोई नहीं जिन्ना लावण हक दा ऐसे यार छड़ दे जेड़े तेनू मस्जिद तो दूर करन ऐसे यार छड़ दे जेड़े तेनू मौत दी याद भुला देन ऐसे यारां दी यारी छड़ दे जेड़े तेनू अल्लाह दी मुहब्बत तो दूर करन ऐसे यारां दी यारी खत्म कर जेड़े तेनू उलमा और मदारिस ते कुरान और हदीस तो दूर करन छोड़ दे छोड़ खुशामद यारां दी जिन्ना लावण हक दारा कोई नहीं एक वार हयाती रब ने दे ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं ओए चडले से कबर च डेरा ए मत हो वी यार अंधेरा ए चडले से कबर च डेरा ए मत हो वी यार अंधेरा ए मत हो वी यार अंधेरा ए अमलां दा दीवा बाली जुल नेकी दा दीवा बाली जुल तौबां दा दीवा बाली जुल अमलां दे बाज बचा कोई नहीं तौबां दे बाज बचा कोई नहीं एक वार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं ओए मेरी गाल तू बंदे भुलावी ना एवें जायो वक्त वन्यावी ना ओए मेरी गाल तू बंदे भुलावी ना एवें जायो उमर वन्यावी ना एवें जायो वक्त वन्यावी ना दे गफलत छोड़ सियाणा बन दे गफलत छोड़ सियाणा बन विचों कबर दे वलाण दरा कोई नहीं विचों कबर दे वलाण दरा कोई नहीं एक वार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं तू अपना आप संभाली जुल दुनिया विच यार वफा कोई नहीं एक वार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर वाला कोई नहीं हयात का कबला मौत अपनी मौत दे आन तो पहले पहले अपनी जिंदगी दे ना सावां दी कदर कर लो अपनी जिंदगी दे अंदर अपने मालिक को परवरदिगार नु राजी कर लो अपने परवरदिगार कोल तौबा और इस्तगफार कर लो अपना ताल्लुक मस्जिद और कुरान नाल जोड़ लो अल्लाह पाक तो दुआ है अल्लाह जो कुछ कुरान और सुन्नत विचों बयान कीता है अल्लाह मेरे समय तुसा सब अहबाब नु अमल करन दी तौफीक अता फरमाए आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।